हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। इस पर्टिकुलर सेशन में 22 और 23 सितंबर के मर्ज करंट अफेयर आप लोगों को मिलने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और के साथ ही टेलीग्राम चैनल पे आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, जो कि आपको स्टार आईक्यू एजुकेशन करके सर्च कर लेना है। दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल। तो इस सवाल का सही आंसर था विटामिन ई। इसको आप लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन ई खाइएगा, बादाम खाइएगा, चेहरे की सुंदरता थोड़ी बढ़ा लीजिएगा। विटामिन ई इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सीरीज है, और इसके अलावा इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था इन द ईयर 1936। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद कर लेना है। और विटामिन ई जर्नली जो है ना, आपको वेजिटेबल ऑयल से भी मिल सकता है, सीड से भी मिलता है, नट्स से भी मिलता है, अनाजों से भी मिलता है। सो आप लोग विटामिन ई खाइएगा, चेहरे की सुंदरता बढ़ाइएगा, बाल भी अच्छे अच्छे खासे मजबूत होते हैं। बाल जिसके झड़ते हों, वो विटामिन ई बादाम का तेल वगैरह लगाइएगा बालों में। अगला सवाल है कि हाल ही में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने हरियाणा में कहां 50,000 मैट्रिक टन क्षमता का एक स्टील साइलो चालू किया है। तो 50,000 मैट्रिक टन क्षमता का एक स्टील साइलो चालू किया है भट्टू के अंदर। सर, ये भट्टू कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भाई फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसका पुलिस स्टेशन भारत के अंदर तीसरा बेस्ट पुलिस स्टेशन जो है ना नामित किया गया था, और ये तरावड़ी हरियाणा हरियाणा का जो है ना सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन है अब तक के आंकड़ों के अनुसार। तो ये स्टील साइलो जो आपको दिखाई दे रहा है 50,000 मैट्रिक टन कैपेसिटी का है, और रिसेंटली जो है ना इसको ऑपरेशन स्टार्ट किया है भट्टू हरियाणा के अंदर। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल आया कि सर स्टील साइलो होता क्या है? देखो, एक तो आपका तरीका है अनाज को स्टोर करने का कि बोरी भर भर रख दो, लेकिन बोरी भर के रखोगे थोड़े दिनों के बाद में आपको पता ही है कि जो बोरी है उनमें सीलन सी आएगी, और आपका एक टाइप से यूं कहिएगा बुफन लग के, और वो खराब हो सकता है अनाज। तो साइलो स्टोरेज एक स्टील का ही ढांचा होता है। इसमें लगभग जो है ना बेलनाकार बड़े बड़े से टैंक होते हैं, जैसे आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, और हर एक टैंक की क्षमता मतलब 4 लगाओ, 5 लगाओ, खैर जितनी भी लगा सकते हो, लगभग 12,500 टन के आसपास रखते हैं इनको। और इन टैंकों में बिना बोरी के अनाज लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। सबसे बात यही है, डिपार्टमेंट का नाम है इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस डिपार्टमेंट की इंडिया में स्थापना तो 2 सितंबर 1946 को हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इसके ऑफिस होल्डर यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो है आरसी चौधरी, और मिनिस्टर जो कैबिनेट के हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। इसके अंदर ही डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ही आते हैं। हरियाणा की तरफ से बात करें तो हरियाणा में हरियाणा के डिप्टी सीएम जो है ना वो इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला के पास है। और अगर मैं बात करता हूँ जो कमिश्नर कौन है इस डिपार्टमेंट के, सेक्रेटरी कौन है फूड सिविल सप्लाई के, तो इनका नाम है श्री पंकज अग्रवाल। और अगर मैं बात करता हूँ इसी डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्टर कौन है, तो फूड सिविल सप्लाई के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम श्री मुकुल कुमार है, जो ऑलरेडी एक आईएएस अधिकारी हैं। अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार ज्योतिसर सरोवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी का उपदेश दिया था अर्जुन को, और ज्योतिसर सरोवर में कुरुक्षेत्र में महाभारत पर आधारित एक विश्व स्तरीय डिजिटल म्यूजियम बना रही है। इस डिजिटल म्यूजियम पे हरियाणा सरकार जो है ना 200 करोड़ रुपये लगाने वाली है। हरियाणा के पर्यटन मंत्री श्री कंवर पाल जी ने इसकी घोषणा की है और बताया है कि एक विश्व स्तरीय डिजिटल म्यूजियम बनेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात तो ये होगी कि इतना जब पैसा लग रहा है तो यहाँ पे बेसिकली एक अपने आप में टूरिस्ट पॉइंट तो ओपन हो ही जाएगा, लोग आएंगे, तो इससे भी हरियाणा गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट होगा, और सभी कार्यों को पूरा करने से हरियाणा में पर्यटन की ओर से अधिक बढ़ावा मिल जाएगा। आपको शायद याद होगा यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का एक विराट स्वरूप की कांस्य की प्रतिमा थोड़े दिन पहले ही लॉन्च की गई थी, मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। और इस पर्यटन के क्षेत्र में भाग लेने के लिए आपको मैंने शायद अभी रिसेंटली ताजा वाला हेड हथिनीकुंड बैराज वाला भी पढ़ाया था, वहां पे भी विकसित किया जा रहा है। इससे पहले हरियाणा में सबसे पहला पर्यटन हब जो है ना वो 29 सितंबर को खोला गया था, 29 सितंबर 2021 के दिन पंचकुला मोरनी हिल्स के अंदर। तो ये चीजें आप लोगों को पैरेलली याद रहनी चाहिए सारी बातें।
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के किस कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार से नवाजा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल का सही आंसर रहेगा महेंद्रगढ़। अब ये रीजनल सेंटर है और महेंद्रगढ़ रीजनल सेंटर को जो ना सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र से नवाजा गया है। कृषि कल्याण मंत्री है जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने दिल्ली में जो है ना वो वेनेसडे के दिन ही शिखर सम्मेलन एक आयोजित हुआ था और वहां पे सम्मेलन में स्वराज पुरस्कार 2022 कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति जिनका नाम बीआर कंबोज को यह अवार्ड दिया है, क्योंकि एचएयू के वीसी का नाम तो बीआर कंबोज है ना, और इसका जो रीजनल सेंटर है इसका जो है ना सबसे बेस्ट यूं कहिएगा अवार्ड मिला है उसको ये। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जो महेंद्रगढ़ का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सारे 11 एग्रीकल्चर टेक्निक से साथ लगभग 731 कृषि विज्ञान केंद्रों को जो ना आवेदन किया था उन सभी में से सबसे बेस्ट इसको चुना गया है। सर बेस्ट चुना क्यों गया, ऐसा क्या किया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनको खेतों में अप्लाई किया गया और किसानों को उन टेक्नोलॉजी की तरफ से सटीक जानकारी दी गई, कैसे उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है ये बताया गया। इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र जो महेंद्रगढ़ का है इसको जो है ना ये बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरियाणा में कौन सी पॉलिसी लॉन्च की गई है? तो इनमें से हरियाणा के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी साल 2022 इसको फाइनली अब लॉन्च कर दिया गया है। सर ये पॉलिसी लॉन्च करने का मतलब समझो, ये पॉलिसी अगर लॉन्च होगी तो हरियाणा में बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की जो स्पीड है ना, सेल की स्पीड यानी कि बिकने की स्पीड है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अपने आप में। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने या इन वाहनों की बैटरी उपकरण चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने से रिलेटेड सभी को इस पॉलिसी के अंदर जो है ना वो बोनेजा दिया है, मतलब इनको एड ऑन कर दिया है। और इस कैटेगरी में माइक्रो इंडस्ट्री की कैटेगरी में पहली 20 इकाइयों को फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की 25% अधिकतम 15 लाख रुपए जो भी कम होगा उसकी कैपिटल में सब्सिडी भी दी जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी साल 2022 का सीधा सा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने से होगा क्या सर भाई, एनवायरमेंट में एक तो बेनिफिट होगा ही होगा, इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री खुलेगी तो रोजगार भी पैदा हो जाएंगे। विश्व कार मुक्त दिवस हरियाणा में कब मनाया जाता है? हर साल ये विश्व कार मुक्त दिवस 22 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन बस सीधा सा उद्देश्य है कि कार पुलिंग, साइकिलिंग, मतलब ज़्यादातर लोग जो ना कार का यूज़ ना करें और साइकिल का या पैदल यूज़ करें, या हो सकता है कि पब्लिक व्हीकल का यूज़ करें या कार यूज़ करें तो सारे इकट्ठे जाके, मतलब मान लेते हैं कि एक अकेला मैं कार लेके आ रहा हूँ तो चार जो लोग हैं वो चार कार लेके आएंगे, इससे अच्छा हम सारे मिलके एक ही कार में चल पड़े, ठीक है ना, ये कार पुलिंग होगी। साइकिल का यूज़ करें या आप लोग हो सकता है कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, इससे क्या है कि पॉल्यूशन में थोड़ी सी कमी आए। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है आइए हम मिलजुल के सुनिश्चित करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी प्रकृति के साथ समरसता द्वारा स्वच्छ और हरित वातावरण में रह पाए। एक से अगला सवाल है कि हरियाणा के सभी ग्राम पंचायतों को किस साल तक ब्रॉडबैंड से जोड़ने का टारगेट रखा है? ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा यानी कि इंटरनेट आ जाएगा सभी में साल 2025 तक आ जाएगा हरियाणा की सभी के सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल से। ऑप्टिकल फाइबर जो है ना इसका प्रिंसिपल होता है TIR। इस ऑप्टिकल फाइबर से मुझे याद आया, कंप्यूटर का मेरा कोर्स चल रहा है स्टार IQ एप्लीकेशन पे, आप बेझिझक उस कोर्स को ले सकते हैं और आप लोगों को कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है। आपके जो लगभग जो 300-400 रुपए जितने भी लगने हैं उस कोर्स के, आप कभी भी ऐसा महसूस नहीं करोगे कि ये मैंने पैसे गवा दिए। आपको थ्योरी प्लस MCQ दोनों ही बहुत ही ढंग से, Star IQ 5 नाम का बैच है वो जरूर ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, लेटेस्ट और लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है उसके अंदर। खैर ऑप्टिकल फाइबर के जो बनाया था ना उनके फादर का नाम भी आपको बता देता हूँ, नरेंद्र कंपानी है, ये याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि 48वीं जूनियर नेशनल कबड्डी बालिका चैंपियनशिप में किस राज्य ने टॉप किया है? तो ये हरियाणा राज्य ने ही टॉप किया है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। 48वीं जूनियर नेशनल कबड्डी बालिका चैंपियनशिप में बिहार को जो है ना वो हराया, बिहार उप विजेता बना, नंबर वन पे हरियाणा, चौथी बार ये खिताब जीता, नंबर दो पे बिहार और नंबर तीन पे जो है ना हिमाचल प्रदेश की टीम रही है, ये याद रखना। हरियाणा ने 48 अंक बनाए, बिहार ने 34 अंक बनाए, ये भी याद रखना है आपको। चलिए इसी के साथ में ये लेक्चर होता है समाप्त और आपके लिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज नोट एन MS ऑफिस वेब सर्विस। MS ऑफिस की इनमें से वेब सर्विस कौन सी नहीं है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करिएगा कमेंट में आप लोग। मिलते हैं हम लोग हमारे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना आपको।